हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब देखिए, फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और इस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग शायद 31 तक क्वेश्चन जो था इलस्ट्रेशन वो करवा चुके थे। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 32 से। इलस्ट्रेशन नंबर 32 होगा आज। तो देखिए, पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। 32 नंबर इलस्ट्रेशन में जो पेज नंबर 104 होगा, पेज नंबर है 104 है। चैप्टर के नेम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। आज हो गया 25/10/2021। आ रहा है सब? तो देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग स्टडीज करते हैं। कहता है देखिए, द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द स्पेसिफिक सोर्स ऑफ ए फर्म इज एज फॉलो। आपको दे रखा है कैपिटल स्ट्रक्चर और स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स दे दिया है। मतलब यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑलरेडी किया हुआ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। डेब्ट है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है, बुक वैल्यू दिया है और मार्केट वैल्यू दिया है। और स्पेसिफिक कॉस्ट आपको दे रखा है 6%, 8%, 14% और 13%। कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग कहता बुक वैल्यू वेट्स एंड कहता मार्केट वैल्यू वेट्स, हाउ आर दे डिफरेंट। आपको बताना है बुक वैल्यू मेथड से और मार्केट। तो देखिए, यहाँ पर अलग कुछ नहीं है, सिर्फ बुक वैल्यू में क्या करना है, ये फिगर लेना है जो बुक वैल्यू का दिया है। और मार्केट वैल्यू से बोलेगा तो जो मार्केट वैल्यू जैसे 2.75, 2.25 और 7.50, इस मेथड से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग आते हैं, ये किस मेथड से बोला है, पहले बोला है बुक वैल्यू मेथड। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे, ठीक है, और लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन बुक वैल्यू मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सोर्स ऑफ फंड लिखिए या सोर्स ऑफ कैपिटल, बात एक ही है। सोर्स ऑफ फंड, तो सोर्स ऑफ फंड में हम लोग लेंगे डेब्ट है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इक्विटी है। पहले डेब्ट है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इक्विटीज है कैपिटल, उसके बाद रिटर्न अर्निंग है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे अमाउंट कितना है, वो लिखेंगे हम लोग तो अमाउंट हम लोग देखते हैं, दिया है 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख। तीन लाख, दो लाख, उसके बाद है आपको 4 लाख और 1 लाख। 4 लाख, 1 लाख। उसके बाद हम लोग लिखेंगे पोर्शन,
इसको ए से डिनोट करेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे। उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको सी से डिनोट करेंगे, ए इंटू बी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटलिंग करेंगे। कितना, 3 × 2 = 5, 5 × 10 लाख होगा। ये होगा आपको टोटल। अब पोर्शन कैसे निकालते, एकदम हम निकाल दे रहे हैं। डेब्ट का कैसे निकालेंगे, जो अपना है 3 लाख और डिवाइड करेंगे टोटल से। प्रेफरेंस शेयर में भी वही होगा, बाय 10 लाख। और इक्विटी में भी वही होगा, तो ये हो जाएगा 0.3, ये होगा 0.20, ये होगा 0.10। ठीक है, अब तो कुछ है नहीं। अब पोर्शन लिख देते हैं, यहाँ पे 0.30, 0.20, 0.10 और इसका भी बोले थे रिटेन अर्निंग का सेम लेने के लिए। ठीक है, जो उसका होगा। इक्विटी कितना था, इक्विटी का 0.4 ना था, 0.4 था ये। जीरो पॉइंट फोर ही था ना, और इक्विटी का भी दे दिया आपको 1 लाख है। 2, 3, 4, 5 × 10 लाख, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इक्वल टू 0.10। ये हो गया। अब इसका कॉस्ट देखिए कितना दिया हुआ है। कॉस्ट आपको गिवन है 6, 8, 14 और 13। यहाँ पर रेट दे ही दिया है 6, 8, यहाँ पे 6 है, 8 है, उसके बाद है आपको 14 और 13, 14 और 13। इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, 36 × 18 1.8 होगा, 8 × 16 1. ये होगा 14 × 56 5.6 होगा, ये 1.3 होगा। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो गया, 34 और 56 = 60, 1, 10, 1, 10 और 10.3 हो गया परसेंटेज में। यहाँ पे परसेंटेज लगा देंगे सब में, क्योंकि यहाँ भी परसेंटेज है। तो देखिए आप लोग शायद क्वेश्चन नंबर ये समझ गए हैं ए, अब इसी का बी बनेगा। ठीक ना, इसको मैं बोल दे रहा हूँ ए था ये, अब बी में बोला है मार्केट प्राइस का मेथड से बनाना है।
एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द मार्केट वैल्यू मेथड। यहाँ पे सोर्स जाएगा तो सोर्स में आपको एडेप्ट है, प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटीज है, रिटेन अर्निंग है। उसके बाद अमाउंट है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू से लेंगे अमाउंट, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू में देखिए दिया है 2,75,000, 2,25,000 और 7,50,000। 2,75,000, उसके बाद कितना दिया है 2,25,000, 2,25,000, उसके बाद 7,50,000, इसका आप निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पोर्शन लिखेंगे, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखेंगे, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखेंगे। थोड़ा मार्कर भर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ये जो दिया है बुक में, थोड़ा हम देखते हैं क्या दिया हुआ था। यहाँ पर इक्विटी का वैल्यू दिया नहीं है, ठीक ना। इक्विटी का वैल्यू नहीं दिया, इसका मतलब दोनों का दे दिया होगा, ठीक ना। तो क्या करेंगे आप, इसको हम मिटाते हैं। यहाँ पे नोट्स में ठीक है, दोनों कंबाइंड दिया रहेगा, क्योंकि इक्विटी और रिटेन सेम ही होता है, क्योंकि ऑनर्स फंड ही है दोनों, तो दोनों इसलिए ये दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को बुक वैल्यू का जो रेशियो, उस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कुल मिलाकर के हमको दिया 7,50,000, और इसका रेशियो क्या होगा, देखिए आपको बुक वैल्यू में था 4:1 का रेशियो होगा ना, 4:1, चूँकि 4,00,000 का 1,00,000 था, तो 4:1 का रेशियो। तो इक्विटीज हो जाएंगे आपको 7,50×4/5, और रिटेन अर्निंग 7,50,000 और × 1/5। इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना होगा, 1.5, तो 4×6,00,000, ये होगा 1.5 लाख। यहाँ पे मैं लिख दूंगा, अब इसका मैं टोटल कर दूंगा, टोटल कितना हो रहा है ऐड कीजिए, तो 12,50,000। इन सभी को ऐड करूंगा तो 12,50,000 हुआ। यहाँ पे इसको लिखूंगा टोटल, ठीक है। अब 12,50 के रेशियो निकालेंगे तो डेप्ट का रेशियो क्या होगा, डेप्ट का रेशियो होगा 2,75,000 बटे 12,50, कितना होगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1,250 और 275 ऊपर बचा, कितना होगा कटिए तो 0.22। और इसमें देखिए प्रेफरेंस शेयर 2,25,000 अबाई 12,50,000, 0.10 होगा क्या, 0.18, ठीक है।
और उसका देखिए तो इसका इक्विटी का 6 लाख बाई 12 50 कितना होगा ये 0.48 ठीक है। और उसका निकालेंगे तो कितना होगा, इसका निकलेगा रिटेन अर्निंग का 1.5 लाख / 12.50 कितना हुआ 0.12। ये आपको वेट निकल के आ गया। अब मैं इसी को मैं नोट कर दूंगा यहाँ पे कॉपी पेस्ट। तो पोर्शन निकल के आया 0.22, दूसरा का है 0.18, इसका है 0.48, इसका है 0.12। यहाँ तक क्लियर है? अब तक कुछ है नहीं। कॉस्ट दे रखा है 6.8, पहले से दिया हुआ है 6, 8, 14 और 30, ये सब परसेंटेज में है। मल्टीप्लाई कीजिए 6 × 12 × 6 × 12 = 13, 1 = 32 परसेंटेज 8 1.44। उसके बाद इसका देखिए तो 6.72। इस 1.56 परसेंटेज इसको ऐड कर दीजिए। कितना हुआ टोटल 11.04 परसेंटेज। ये आपको आ गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन में 33। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोग को दिखा दे रहा हूँ ताकि जिनके पास बुक नहीं होगा वो अपना देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 33 देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़ जाओ। ओके बाय। अब देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से स्टडीज करेंगे और समझेंगे। ये होने वाला है इलस्ट्रेशन नंबर 33। देखिए कहता आर लिमिटेड इज कंसीडरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ रेजिंग ₹25 लाख बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। कहता आर लिमिटेड है वो सोच रहा है, ठीक ना, वो सोच क्या रहा है कि 25,000 हम लोग क्या करें, इशू करें क्या चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर इशू करें। द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द कहता इशू आर एज फॉलो। कहता बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इशू का आपको दे रखा है क्वेश्चन में, बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है। कहता सोर्स में इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है और डिबेंचर है। फिर कहता द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड ऑन द एबव मेंशंस इशूई ऑफ कैपिटल। फिर कहता है कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स रेट इस कहता 35%। आपको कॉरपोरेट टैक्स दे दिया 35%। तो देखिए जैसे टैक्स दिया तो हम लोग विदाउट कैलकुलेशन से सोचेंगे कि टैक्स जब भी दिया होगा तो डिबेंचर के लिए दिया होगा, ये कन्फर्म हम लोग के मान कर चलना है, यहाँ पे कसम खा के चलना है कि टैक्सेशन का यूज जनरली हम लोग किस में करते हैं, डिबेंचर में, चूँकि इंटरेस्ट जो सील करता है, ठीक ना, कॉस्ट उसको सील करता है। वन में देखिए कहता है द कंपनीज इक्विटी शेयर इज करंटली सेलिंग फॉर 150, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल पे ए डिविडेंड ऑफ ₹12 पर शेयर एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए रेट ऑफ 7%। द कंपनी हैज़ टू इनकर टू पर शेयर एज फ्लोटेशन कॉस्ट। ओ माई गॉड सर, ये क्वेश्चन में तो बहुत कुछ लिख रखा है सर। कोई बात नहीं है, क्वेश्चन में बहुत कुछ लिख रखा है तो हम लोग एक आराम से समझेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है।
उसको मुद्दे को हम लोग समझ जाएंगे तो इट्स वेरी सिंपल हो जाएगा, क्या यानी कि वाटर की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इससे ये स्पष्ट हम लोगों को हो रहा है, इससे पहले जो हम लोग स्टडीज किए थे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ इक्विटीज और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसर का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा, इन द सेम वे पहले की तरह यहाँ पर ये पैराग्राफ लिख दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे क्वेश्चन ये एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी खुद कैलकुलेशन करके बताइए, पहला पैराग्राफ में बोल दिया आपको। क्यों? क्योंकि आपको डिविडेंड दे रखा है, ग्रोथ दे रखा है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड यील्ड मेथड से कैलकुलेशन करना है के ई का वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन को बड़ा देख कर हम लोग डरेंगे नहीं, ठीक है, एकदम आसानी से समझेंगे। दूसरा कहता है दी 11% ऑफ 100 फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर विल बी सोल्ड फॉर कहता 120। कहना ये चाह रहा है कि 11% जो प्रेफरेंस शेयर है जिसका फेस वैल्यू कितना है 100 रुपया है, उसको बेचा जा रहा है मार्केट में कितना 120,000, यानी कि फेस वैल्यू 120 हो गया। जिसमें बोला है हाउ एवर दी कंपनी विल हैव टू पे 4% एज अंडर राइटिंग कमीशन। कहता इसके अलावा ठीक ना 4 रुपया पर शेयर पे कंपनी ने अंडर राइटिंग कमीशन दिया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग नेट प्रोसिट्स का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग 4 को लेस कर देंगे 120 से, समझ गए। क्योंकि शेयर में ये हम लोग को कसमें खाना है कि जब भी होता है तो मार्केट प्राइस पे ही शेयर सेल होती है, ठीक है। सेलिंग और बाइंग जो होता है मार्केट प्राइस पे होता है, 100 रुपया था लेकिन 120 पे हुआ तो मार्केट प्राइस, चूँकि यही तो फ़ायदा और नुकसान होता है। क्योंकि हम लोग जब शेयर को परचेज करते हैं मार्केट में क्या होता है, एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई कंपनी का शेयर परचेज करेंगे 100 रुपया रेट है, 120 में बिके, 140 में बिके, 500 बिके, हम लोग तो यही एक्सपेक्टेशन होता है, क्या। थर्ड पॉइंट में आते हैं द कंपनी कैन सेल ए 10 ईयर्स 500 फेस वैल्यू डिबेंचर्स विद अ 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन अंडरराइटिंग फी ऑफ 2% ऑन इशू प्राइस वुड बी इनकॉर्ड ऑन इशू, कंप्यूट दी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू मेथड, और ये सब अगर अब अगर आपको बोला है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहना चाह रहा है कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का कैलकुलेशन कीजिए, कौन सा डिबेंचर है तो रिडीमेबल डिबेंचर है, क्यों, क्योंकि 10 ईयर देखिए लिखा हुआ मैच्योरिटी पीरियड यहाँ पर गिवन है, क्या हमने बताया था कि डिबेंचर दो प्रकार के होगा, यहाँ पे एक रिडीमेबल होगा एक होगा इरिडीमेबल। तो रिडीमेबल का मतलब ये होगा कि वहाँ पर आपको ईयर दिया रहेगा, मतलब मैच्योरिटी पीरियड आपको गिवन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड आपको गिवन है, तो मैच्योरिटी पीरियड यहाँ पर कितना 10 ईयर है, तो देखिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन को कैलकुलेशन करेंगे। ये हम लोगों का है इलस्ट्रेशन नंबर कितना है 33 है। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिटर्मिनेशन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेशन करेंगे। तो देखेंगे ये है इलस्ट्रेशन नंबर 33 है। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटीज, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटीज में देखेंगे क्या होगा, के ई इज इक्वल टू होगा डीपीएस बाय एनपी नेट प्रोसिट्स बोलिए या एमपीएस इनटू 100 अब बाय ये ग्रोथ मेथड है, क्या क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ग्रोथ गिवन है, इसका मतलब ग्रोथ का मेथड से है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटीज आपको डिविडेंड पर शेयर 12 है, नेट प्रोसिट्स कितना दिया था देखिए इक्विटी का, इक्विटी बोला है 150 रुपया सेल किया जाएगा और 2 रुपया का था फ्लोटेशन कॉस्ट है, क्या
तो हम लोग नेट प्रोसेस में वो लेस कर देंगे, यानी कि 150 माइनस 2 इंटू 100 यहीं पर हम लिख दिए, और ग्रोथ का रेट है 7%। तो के ई तो हो जाएगा 12/148 इंटू 100 प्लस, कैलकुलेशन कीजिए कितना होगा, 120 में 148 से डिवाइड कीजिए कितना होगा, 15.11% पुनः रह गया। उसके बाद कॉस्ट अब क्या दिया हुआ था, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिविडेंड की बात होगी, तो यहाँ देखिए प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड कितना दे रखा है, 11% फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विल बी सोल्ड फॉर 120, हाउएवर द कंपनी विल हैव टू पे 4% एज अंडर राइटिंग कमीशन। तो 11% है क्या, तो 11/120 माइनस 4 है ये इंटू 100, तो क्या होता था डिविडेंड अबटे नेट प्रोसीड्स इंटू 100 होता था। तो 11 से मैं डिवाइड कीजिए 116 से, ग्यारह सौ हो जाएगा ना, 1100 में डिवाइड कीजिए 116 से, हाँ 9.48% एक ये निकल के आ गया आपको रेट। उसके बाद निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट। आप देखिए ये कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है रिडीमेबल है, क्या रिडीमेबल का फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स बाय नंबर ऑफ मैच्योरिटी बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स, ठीक है, बाय 2 और इंटू 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए केडी का कितना दिया है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट का कितना परसेंटेज था, 10 ईयर इतना फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर भी थे 9% रेट था, 2% इशूइंग प्राइस वुड बी इनकर्ड ऑन ये। तो देखेंगे यहाँ पे 9% है, 9 × 1 − 0.35 यानी कि 35% टैक्स का रेट है, प्लस रिडम्पशन वैल्यू है 500 रुपया है, चूँकि फेस वैल्यू कितना दिया 500 है, ठीक ना, और इशूइंग प्राइस भी कुछ दिया हुआ देख लीजिए, तो 800 इतना फेस वैल्यू एडवेंचर भी थे 8-9% रेट ऑफ इंटरेस्ट इन अंडरराइटिंग फीस का था 2% इशूइंग प्राइस वुड बी इनकर्ड। तो रिडम्पशन वैल्यू वही रह जाएगा, नेट प्रोसीड्स तो देखेंगे नेट प्रोसीड्स में क्या कहता है 2% ऑन इशूइंग प्राइस, तो फेस वैल्यू डिवेंचर कितना 500 है, 500 का 2% कितना होगा 10 होगा, 5 × 10 तो 10 रुपया लेस कर देंगे 490 बाय मैच्योरिटी पीरियड कितना है 10 ईयर है, बाय यहाँ भी क्या होगा 500 प्लस 490 बाय 2 इंटू 100 तो कितना होगा, कैलकुलेशन करेंगे इसको, कैलकुलेशन करके बताइए, सिक्स पॉइंट जीरो फोर परसेंटेज हो रहा है, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, यहाँ पे सोर्स होगा, सोर्स में क्या क्या था, अमाउंट आइटम था इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर था, इक्विटी प्रेफरेंस और डिबेंचर,
इक्विटी प्रेफरेंस और डिबेंचर्स है। उसके बाद अमाउंट होगा अमाउंट देखिए कितना कितना दिया हुआ था, बोलिंग अमाउंट कितना कितना है। अभी बुक वैल्यू पे चल रहा है ठीक ना, यहाँ लिख देते हैं वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन बुक वैल्यू मेथड। अमाउंट देखिए कितना गिवन है, 10 लाख, 5 लाख और 10 लाख। क्या 10 लाख, फिर 5 लाख है, ये टोटल हो गया आपको 25 लाख्स। ये हो गया। उसके बाद पोर्शन, तो देखिए 10 लाख में इससे डिवाइड करेंगे क्या, तो कितना होगा 0.4 होगा ये, क्योंकि 2500 का 100 क्या 50 में 25 से, तो 0.2 हो जाएगा ये, और ये भी होगा 0.। ये हो गया। अब हम लोग कॉस्ट निकाले ही हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो देखिए निकाले थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी 7% था, उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, नहीं कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15.11 था ना, 15.11% या 9.48% या है 6.04%। उसके बाद होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौका 60, 11 चौक 44, 6 पॉइंट कितना होगा 4% ये कितना होगा, 9 × 2 = 18, 48 × 96, 1.896%, ये 2.416%, इसको ऐड कर दीजिए कितना 10.356%, ये आपको निकल के आ गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ठीक ना, ऑन दी बुक वैल्यू मेथड। आज इतने पर रहने देते हैं क्योंकि हम लोग का टाइम ज़्यादा नहीं है, और मार्केट प्राइस इसमें निकालना आसान होगा, इसलिए आसान होगा क्योंकि यहाँ पे इक्विटीज वगैरह है नहीं अलग से, रिटेन अर्निंग, क्या रिटेन अर्निंग होता है तो सोचना पड़ता, यहाँ जो है उसको क्या करेंगे कॉपी और पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे कोई निकालना नहीं पड़ेगा आपको ठीक ना। 15 लाख, 6 लाख, 9 लाख है और सब तो सब सेम ही रह जाएगा ठीक ना, सब सेम हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा 15, 6 और कितना दिया हुआ 9 और सेम रहेगा ठीक है, रेट वही रहेगा, पोर्शन सिर्फ चेंज हो जाएगा क्या। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन को बना लिए, उसके बाद इसके बाद जो है मिसलेनियस है जो आप स्टडीज़ किए वो है 34 नंबर, एक हम लोग बना लेंगे क्योंकि ये भी थोड़ा बड़ा सा है, हालांकि है सिंपल ही अभी, और उसके बाद ये चैप्टर को हम लोग एंड कर देंगे ठीक है। आज की क्लास यहीं पर एंड हो रही है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।